आवर चैनल विशी ब्लॉग। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर देना। 11 o'clock का टाइम हो रहा है और ऑलमोस्ट आज का काम कुछ हो चुका है, कुछ रह रहा है। मम्मी जी को जाना आज कहीं कीर्तन वगैरह में, तो मम्मी जी रेडी हो चुकी है, उन्होंने खाना पीना सब खा लिया। और देखो मम्मी जी हो चुके हैं तैयार, अपनी साड़ी वाड़ी सब सही कर रही है। जा रहे हो मम्मी जी आज तो अकेले अकेले जा रहे हो? आप ही जाओ आज। और अभी मैं बना लेती हूँ पहले सब्जी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है, सो अभी सब्जी बनाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। कल इवनिंग के टाइम हम गए थे मार्केट, और मार्केट से हमें कुछ सामान लेके आना था, छोटा थोड़ा बहुत ही कुछ सामान था, मतलब डेली जो घर में यूज होने वाली चीज़ें हैं। तो हम क्या क्या लेके आते हैं, लेके आए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कल हम मार्केट से क्या शॉपिंग करके लाए। पहले क्या ये एक बास्केट छोटी सी अपने रूम के लिए, इसमें अपना कुछ मतलब कुछ भी बेड के साइड में रखने के लिए, ताकि कोई सामान इसमें रख सके। जो कि मेरे सामान ऐसे ही दवाई वगैरह रखी रहती है, वो सब मैं इसमें रखूँगी आराम से। अच्छा भी है, और इसको हटा के और इसको क्लीन भी कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और एक ये बास्केट लेके आई येलो कलर की, बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी है। इसका फ्लावर्स बने हुए हैं और दिख रहे होंगे आपको, फ्लावर का प्रिंट बना हुआ है और बहुत ही अच्छी है, मतलब देखने में। सब्जी वगैरह कट करनी हो उसके बाद इसमें वॉश भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी आराम से निकल सकता है, तो ये बहुत प्यारी है। और कलर देखो कितना प्यारा, और येलो इज़ माई फेवरेट कलर। इसके बाद लेके आए हम एक और बास्केट रेड कलर की, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत प्यारी सी है। देखो इसमें जैसे कि वेजिटेबल वगैरह या फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं इजीली आराम से, और इतना प्यारा है ना, ये इतनी प्यारी है ना, बहुत प्यारी है। नीचे से बंद है, तो इसमें रखने का सामान इजीली रख सकते हैं, और इन दोनों का कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। और ये लेके आए प्लास्टिक के क्लॉथ पैक्स, खत्म हो रखे थे, मतलब टूट रहे थे, तो ये वाला कलर भी कितना अच्छा है। और एक ये जर लेके आए हैं पूरी के लिए या पकौड़े वगैरह के लिए, छोटा जर नहीं था हमारे पास, मतलब अभी था नहीं, वो खराब हो गया था जो था, और ये वाला लेके आए हैं, अच्छा है ना। और एक ये लेके आए हम बात लूफा, कलर इसका भी देखो कितना प्यारा है, ब्लू कलर, और बहुत सुंदर आ रहा है। और एक लिया है ये हमने नाइफ, और एक लेके आई हूँ मैं अपना दुपट्टा वाइट कलर का, मेरे को इसमें कलर करवाना है तो मैं वाइट कलर का ही लेके आई हूँ, इस पर कलर हो जाएगा, टेबल है ये, और ये देखो इसमें ये वाली लेस लगी हुई है। और एक ये लेके आए हैं, तो ये सब सामान हम कल शॉपिंग करके लेके आए थे, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, फिर सब लोग भी मेरी फैमिली है तो मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया है अपना जो सामान मैं लेके आई थी। सब्जी के लिए मैंने गैस बंद कर दी है, सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है, और अभी जाना है मुझे मार्केट। ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा बकवास है कि रुकता ही नहीं है, सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और अभी हमें जाना है मार्केट, अभी मैं एक बार बाल वगैरह अपने वॉश करे थे, तो उसके बाद मैंने कॉम नहीं किया था अच्छे से, तो मैं अभी अपने बाल सही कर लेती हूँ, उसके बाद मार्केट के लिए जाना है मेरे को अपना, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। अपना दुपट्टा कलर करवाना है, मतलब उसे डाई करवानी है दुपट्टे पर, तो उसी के लिए हम जा रहे हैं अभी मार्केट, मैं और विपुल। सो मिलूंगी मैं आपको सीधा अब मार्केट में ही। कपड़े वगैरह सब उतार के रख गए हैं, बारिश का कुछ भरोसा नहीं है कि मौसम ऐसा ही हो रहा है, और मम्मी जी है नहीं, और मार्केट जा रहे हैं हम। बस 5 मिनट का काम है, लेकिन फिर भी 5 मिनट में बारिश कितनी ज़ोर से आ सकती है ये आप सब लोग जानते ही हैं। एक सामान रह गया मेरा, वो भी ले लेती हूँ, क्योंकि मम्मी जी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अभी जैसे कि आपको पता ही है कि मम्मी जी कहीं गई हुई है, तो इनको फोल्ड तो आके भी करना अभी मार्केट के लिए, उनको मार्केट के लिए जाना। ये कपड़े सब मैंने अंदर की तरफ कर दिए हैं कि बारिश आएगी तो भीगेंगे नहीं, तो अभी
दिखाओ ऐसी पत्ती वाली। बहामास की? बहामास में नहीं, एक पत्ती वाली। कौन सा खाओ? बेनेटन में रखी थी आप, जैसे मोटी पत्ती से पतली पत्ती में होगी। पतली में ही आ लिया ये। हेलो ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है। ये कलर बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है एकदम। और ये वाली कितने की है? सेम रेट है दोनों। ये वाली है ना, कौन सा ज्यादा अच्छा? इसमें और भी कलर है। कलर के ऊपर चप्पल, ये है विपुल की चप्पल ग्रीन कलर की, और मैं चप्पल लेने नहीं गई थी, लेकिन फिर मुझे एक चप्पल काफी अच्छी लगी देखने में। डब्बा किसका रखवा लिया? डब्बा किसका रखवा लिया? मैंने रखी रखवाई उनसे डब्बे में मैंने कहा। और ये देखो दो, मैं मतलब मेरा चप्पल लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हस्बैंड वाइफ दोनों ने ले लिया। इनका ग्रीन है और मेरा भी ग्रीन है, मेरा थोड़ा लाइट में है। और ये देखो कितनी प्यारी सी चप्पल है मेरी, डिजाइन देखो इनका कितना अच्छा लग रहा है। मेरी नेल पेंट को इग्नोर कर देना, पास हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है। और ये है इनकी ग्रीन वाली, दोनों ने सेम कलर ले लिया। तो सोच के भी नहीं गई थी, तब भी मैंने एक जोड़ी स्लिपर ले ली और दोनों का सेम ही कलर हो गया। और मम्मी जी आएगी तब मम्मी जी को भी दिखानी पड़ेगी कि ये देखो हम दोनों हस्बैंड वाइफ के ग्रीन ग्रीन चप्पल लेके आ गया। और अभी मैं बना लेती हूँ खाना तो बना लिया था, सब्जी वगैरह, बस रोटी बनानी है। तो अभी हम खाएंगे खाना, बस यही सामान था। और दुपट्टा मैं डाल आई हूँ दाई के लिए उनके पास, तो वो इवनिंग के टाइम विपुल जाएंगे जिम, तब मिल जाएगा वो। अभी उन्होंने दिया नहीं कि टाइम लगेगा, तो अभी चलो भाई किचन में आ गई मैं। और सब्जी तो मैं बनाई गई थी, सब्जी तो बन चुकी है। अभी मैं एक आदमी कैसे बनूँ? तो अभी गाइस हम मिलेंगे खाना खाने के बाद या फिर इवनिंग में। सच में यार खाना खाते खाते मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, सच में यार बोलने को ही वैसे सब कुछ ऐसे ही हम बोल देते हैं। रियलिटी यही है कि बिना सास के कोई ससुराल नहीं। खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से करूँगी बातें, अभी मैं खाना खा रही हूँ। और मेरे मन में मतलब आज क्या क्या चीज़ें आ रही है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरे ही मन में आ रही है, आप लोगों के साथ भी सच में होता है ऐसा। तो गाइस अभी हम मिल रहे हैं बर्तन साफ करने के बाद, रसोई का सारा काम समेटने के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। खाना वगैरह सब हो गया है सबका। तो गाइस आज मैं आपके साथ अभी एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, मैंने जो चीज फील की है मैं वही बोल रही हूँ एकदम जो मुझे लगा। मतलब जैसे कि आज मम्मी जी गई है थोड़ी देर के लिए कहीं कीर्तन वगैरह में गई है, आज मम्मी जी गई हुई है कीर्तन में, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है और दिखाया भी है कि मम्मी जी आज कीर्तन में गई है। तो मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिल जाती है काम में, और एक अकेले करना तो एक बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन, खुद पे बर्डन सा भारी भारी लगना है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मतलब इतना बर्डन सा एकदम से आ जाता है। मतलब भाई मुझे तो देखो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, तो मैं बहुत ये चीज़ें फील कर रही हूँ कि आज देख कितना बर्डन आ रहा है, मम्मी नहीं है घर पर तो कितना बर्डन, और वो भी कुछ घंटे के लिए गई है, ये भी नहीं है कि दो तीन दिन के लिए गई है। और ये दो तीन घंटे के लिए गई है तब भी इतना बर्डन लग रहा है। तो मैं बोल रही हूँ कि सास का भी घर में होना ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सास जिसकी सास नहीं है वो बहुत कुछ मिस कर रहा है बहुत कुछ सच में। आज ही मम्मी जी नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि घर में भगवान कोई भी नहीं है, मतलब है ही नहीं कोई, मैं अकेली हूँ घर में और मुझे डर लगता है अकेले। तो डरने की कोई बात नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं से मन में ये होता ही है, डर लग रहा है। तो वही मैं बता रही हूँ कि मतलब सास का, ससुराल में सास का होना बहुत जरूरी है सच में। हम कैसे भी बातें करके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे से, और ससुराल में सास का होना बहुत जरूरी है। ये चीज़ मुझे आज फील हुई क्योंकि मैं आज अकेली हूँ और मम्मी जी नहीं है, और इतने सारे काम का बर्डन आ जाना एकदम से, मतलब एक काम का बर्डन तो क्या है, कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है मतलब कोई है ही नहीं घर पे। तो और जब सास ही, जिसकी सास ही ना हो इस दुनिया में, वो मैं ये सोच रही हूँ यार कुछ नहीं है उनका ससुराल, जीरो है बिल्कुल। मैं तो यही बोलूँगी, आज ही मेरी सास गई है, मेरी सास वैसे कहीं जाती नहीं है, बहुत कम जाती है, लेकिन आज मुझे ये फील हो रहा है।
तो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने आई थी कि आज भी इतना अजीब लग रहा है, वरना ऐसे जब मेरे को मार्केट जाना था तो मेरे को सारे कपड़े वगैरह उतारने पड़े कहीं बारिश ना आ जाए। और मुझे वैसे मार्केट जाना होता, मतलब मम्मी जी यहाँ पे होती और मेरे को मार्केट जाना होता, तो मैं चली जाती नॉर्मली छोड़ छाड़ के सब कुछ कि मम्मी जी है पीछे कर लेगी अपने आप, ऐसा रहता है। तो बहुत सी चीजें, ये तो मैंने एक नॉर्मल सी बात बताई, और भी बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना जिनको हम, मतलब जब कोई इंसान होता है तो उस चीज को फील नहीं कर पाते, लेकिन जब वो इंसान कहीं जा रहा है, घूमने जा रहा है या फिर कहीं जा रहा है, तो उस चीज को हम आराम से नॉर्मली फील कर लेते हैं। तो मैं अभी आप लोगों से यही बात शेयर करने आई थी, मुझे आज बहुत अजीब लगा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपकी सास जाती है। मैं तो इसको यही बोलूंगी, बिना सास कोई ससुराल नहीं है, सच में रियलिटी में। हस्बैंड है अपने काम पे चले जाते हैं या फिर कहीं भी इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन सास का क्या है, वो तो हमारे साथ रहती है। लेकिन आज बस कुछ ऐसा ही है। और अभी देखो मेरा, मतलब मेरा इतना काम नहीं होता, लिमिटेड काम होता है मेरा। और ये देखो कपड़े, ये अभी चप्पल वगैरह सब ऐसे ही फैली पड़ी है, सामान सब समेटना है क्योंकि मम्मी जी ये सब वैसे, मतलब मम्मी जी उतारती रहती है बाहर से और तैक, मतलब इनको फोल्ड करती रहती है, लेकिन आज क्या, आज ये मेरे को करना है सब कुछ। मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है रियलिटी में, क्योंकि मैं बहुत, हम मिलके काम कर लेते हैं फटाफट हो जाता है, और अकेले काम करना तो माशाल्लाह बहुत डिफिकल्ट है सच में, एक सिंगल लेडी के लिए घर में काम करना बहुत सारा काम हो जाता है। अब ये सब देखो मुझे ही समेटना है सारा, क्योंकि मम्मी जी तो है नहीं, वरना ये अब तक डल जाते सारे सामान, ये कपड़े ऐसे होते ही नहीं यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं है इनका होने का। तो अभी चलो मैं कर लेती हूँ अपने कपड़े वगैरह फोल्ड। आप लोगों से कर लिया बहुत देर तक बातें, किचन का काम सारा समेट गया है मेरा, तो चलो गाँव के हैं वो खाते हैं दूध दही, आपकी तरह प्रोटीन नहीं खाते, उनको उसी में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है मिस्टर विपुल। विपुल जाते हुए जिम एंड बाय बाय। मैं मस्ती के मूड में हो रही हूँ, बाय बाय। वैसे मस्ती, चलो आपको बाय करके आती, छोड़ के आती हूँ। और मम्मी जी आ चुके हैं, और आते ही मम्मी जी आ चुके हैं, और आते ही क्या कर रहे हैं मम्मी जी, हंस रही है। इस दिन प्रोटीन खरीदने बैठ जाएगी ना, तेरा गांव तेरा घर सारा खाली हो जाए। ओ माय गॉड, बस रहने दो, इतनी मत फेंका करो। ऑन कैमरा मेरे पति मेरे को मारते हुए, मम्मी जी आते ही अपना तो मिलते हैं आप लोगों से इवनिंग में। अभी मैं मिल रही हूँ आपको इवनिंग के टाइम पे, और मेरी बन चुकी है चाय और साथ में पेटीज, जो कि मैं हाफ ही कहूँगी इसलिए मैंने कट कर ली है। और ये देखो पेस्ट्री, और ये यहाँ पे चल रहा है बिल्कुल का खाना पीना, और इवनिंग का टाइम है, ये जल्दी खा लेते हैं जिम से आने के बाद ही। और आज के ब्लॉग की एंडिंग करेगी मम्मी जी, बाय बाय, कल मिलेगी फिर आपसे।